हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एग्जाम बी। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफआरडीए फेज टू मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की। सो पीएफआरडीए फेज टू एग्जाम अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। लेट्स होप वी विल रिसीव द रिजल्ट्स सून। सो इन दिस वीडियो उन सारे कैंडिडेट्स के लिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो पीएफआरडीए को टारगेट करना चाहते हैं एज एन अपॉर्चुनिटी इन आईटी, एज वेल एज वो सारे लोग जिन्होंने ये एग्जाम दिया है। सो व्हाट वर द क्वेश्चंस इफ दे वांट टू गेट द आंसर्स इन देयर हेड, व्हाट दे हैव मार्क्ड और लाइक व्हाट। सो दिस कैन बी अ गाइडिंग वीडियो फॉर ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स हु आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द आईटी एग्जाम्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर। सो पीएफआरडीए आईटी एक ऐसी वैकेंसी है जो फिलहाल अभी 2 साल से हर साल आ रही है। ऑल्दो वैकेंसीज हमारे लिए बहुत कम आती है, एक वैकेंसी ही आ रही है अभी पिछले 2 साल से, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए, बहुत अच्छी है जो सेबी की भी तैयारी साथ साथ कर रहे हैं या नबार्ड की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि जो सिलेबस है सेबी और पीएफआरडीए का वो एग्जैक्ट सिमिलर है और पीएफआरडीए में फेज टू में आपको कोडिंग भी नहीं करनी होती है। सो पीएफआरडीए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सारे लोगों के लिए जो सेबी फेज वन बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं और सेबी के मतलब उनके एमसीक्यू टॉपिक्स अच्छे हों और उनके कोडिंग एरियाज वीक हैं। सो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्योंकि उनकी जो एबिलिटी है और जो क्वेश्चन की डिमांड है, जो एग्जाम की डिमांड है, वो यहाँ पे पूरी तरह से फुलफिल हो रही है। सो इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगी जो मेमोरी बेस्ड हमें स्टूडेंट से कलेक्ट होकर के मिले हैं। ऑल्सो मैं अपने कोर्स पीएफआरडीए का जो एग्जाम बी का कोर्स है उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखाऊंगी कि हाउ वी आर कवरिंग द टॉपिक्स विच आर आस्क्ड इन द एग्जाम। मेनी अ टाइम्स स्टूडेंट्स को लगता है कि कोर्स में आप और कठिन चीजें प्रोवाइड करिए, बट एक्चुअल एग्जाम में उससे हमेशा कम लेवल की चीजें आ रही होती है। सो वी मेक श्योर कि हमारे पास जो कंटेंट है वो एज पर दी इंक्लिनेशन ऑफ द एग्जाम है, एंड उसको प्रूव करने के लिए मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में स्क्रीनशॉट्स भी अटैच किए हैं जो कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा एग्जाम बी का कोर्स कितना सिमिलर है एक्चुअल एग्जामिनेशन से, कितना मैच करता है। सो लेट्स बिगिन टू द क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव फ्रॉम पीएफआरडीए इज हब कनेक्ट्स टू। सो हब क्या कनेक्ट करता है? तो यू कैन सी देर इज अ इंटायर वीडियो ऑन हब एंड रिपीटर सेपरेटली इन द नेटवर्किंग टॉपिक, जहाँ पे हमने हब किस लेयर का डिवाइस है, वो क्या क्या करता है, लैंड डिवाइसेस के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, एक्टिव पैसिव हेड क्या होता है, हमने पूरा का पूरा उसमें डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपने ये वीडियो देखा होगा, अगर आपने एक बार भी ये वीडियो देखा होगा हमारे कोर्स से, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी पाई लगेगा। आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन था इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर डन एट विच लेयर। सो यू कैन सी हमने जब हमारा OSI मॉडल डिस्कस किया तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर में हमने साफ साफ लिखा है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन को हम कहाँ पर यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर में। और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी है कि विच लेयर प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इंक्रिप्शन, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेयर्स का क्वेश्चन जो होता है कि हर लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो ये हमने पूरा अपने कोर्स में कवर कर रखा है, यू कैन इजिली सी द स्क्रीनशॉट्स। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आईपी एंड इट बिलोंग्स टू विच क्लास। सो यू कैन सी हमने यहाँ पर प्रॉपर आईपी के भी लेक्चर्स वगैरह करे हुए हैं, एंड यू कैन सी 200 इज द स्टार्टिंग वन। सो ये पर्टिकुलर आईपी आपकी किस क्लास की होने वाली है, ये पर्टिकुलर आईपी आपकी क्लास सी की होने वाली है, क्योंकि क्लास सी की जो रेंज है वो 192 से 223 की है। सो इस तरह से अगर आपने कॉन्टेंट पढ़ा होगा तो एग्जैक्ट क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने कॉन्टेंट पढ़ा होगा तो कॉन्सेप्ट एनी हाउ आपको एग्जाम में सिमिलर ही मिलने वाला है जो हमारे कोर्स में। After that clause to remove a particular column in a database. So, कौन सा clause इसके लिए responsible होता है? So, you can see alter command हमने proper discuss किया हुआ है। Alter command से क्या क्या होता है? Add a column, drop a column. ठीक है, so इसमें क्या पूछ रहा है? Remove a particular column means drop a column. So, अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी होगा। देन वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट। सो यहाँ पे हमने एल्गोरिदम के अंदर सारी की सारी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम डिस्कस करी हुई है, और यहाँ पर आपने देखा कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो सारी हमने यहाँ पर डिस्कस करी हुई है, मर्ज सॉर्ट किया है। आफ्टर दैट एफटीपी यूज्ड विच पोर्ट। सो एफटीपी के बेसिकली दो पोर्ट यूज होते हैं, 21 एंड 20, एक हमारा कंट्रोल के लिए होता है और एक हमारा डेटा के लिए होता है। सो ये सारा भी इन्फॉर्मेशन आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में, इवन इन लाइव क्लासेस की अगर रिकॉर्डिंग्स आपने देखी होंगी, इवन आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी होगी तो अगर आपने पीडीएफ भी केवल इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स का हमारा पढ़ा होगा, यू वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। आफ्टर दैट ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड कैसे काम करता है, तो यहाँ पे देखिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड के लिए अलग से भले क्वेश्चन ना हो लेकिन यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं, कभी कभी क्या होता है जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं मॉक टेस्ट में या फिर चैप्टर टेस्ट में, वहां पे आप ऑप्शन से भी अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जाम में क्या आ सकता है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शन में सेलेक्ट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट काउंट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। सो अगर किसी ने यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड पे की फोकस किया होगा कि डिस्टिंक्ट वर्ड करता क्या है, तो उसको डिस्टिंक्ट कीवर्ड का क्या काम है वो उसे पता चल जाएगा। ऑल्सो जब हमने इंपॉर्टेंट कीवर्ड डिस्कस किए हुए हैं इन PDFs एंड इन मॉक टेस्ट, फाइनल मॉक टेस्ट जो होते हैं वहां से भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आफ्टर दैट दो क्वेश्चन आए थे व्यूज इन डेटाबेस के लिए, सो एक प्रॉपर्टीज ऑफ व्यूज आया था और एक क्वेश्चन था कि क्या व्यू के लिए करेक्ट नहीं होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास पूरा PDF था व्यू के लिए। सो अपडेट व्यू के नीचे यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे व्यू के लिए, सो यू कैन हैव दीज पॉइंट्स। सो हो सकता है इनमें से कोई एज एन ऑप्शन रहा हो एग्जाम में, या फिर आपने PDF अगर व्यू का पढ़ा होगा तो आप आराम से ये क्वेश्चन भी कर सकते थे। आफ्टर दैट जो 10वां क्वेश्चन था वो इनहेरिटेंस इज नॉट प्रेजेंट इन जावा, कौन सा इनहेरिटेंस नहीं प्रेजेंट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक PDF है, वहां पे हमने डिस्कस किया हुआ है और यहाँ पे हमने पूछा है मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड थ्रू क्लास इन जावा, तो हमने आंसर ही बता दिया है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, लेकिन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आपको ये पता है कि कौन सा इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता, तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस है जो सपोर्ट नहीं होता है। सो जो कॉन्टेंट है हमारे एग्जाम बी का, दैट इज क्रक्स, यूनिक एज वेल एज टू द पॉइंट एज टू द डिमांड ऑफ द सिलेबस। ओके, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मैंने सारे क्वेश्चंस के लिए नहीं निकाला है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको आसानी से भी मिल जाएंगे आपको कॉन्टेंट में, वो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लेकर के आई हूँ। फिर DOS अटैक की डेफिनेशन, तो यहाँ आप देख सकते हैं DOS अटैक हमने डिस्कस कर रहा है मॉक टेस्ट में, इसको हमने PDF और वीडियोस में भी बता रखा है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में अटैकर सेंड्स मल्टीपल पैकेट टू द टारगेटेड होस्ट, और उस होस्ट को मतलब क्या कहा जाता है, उस मतलब क्या पूरा उसको कहा जाता है, फ्लडिंग कहा जाता है, बैंडविड्थ फ्लडिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो वो सारे क्वेश्चन है। तो मतलब अगर आपने वर्ड भी पकड़े हैं, अगर आपने बेसिक्स क्लियर किए, तो ये एग्जाम आपके लिए आई थिंक बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा। फिर उसके बाद 12th क्वेश्चन था NTP सर्वर पोर्ट एंड प्रोटोकॉल। फिर एक क्वेश्चन था कि अगर ट्री में n नोड्स हैं तो मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए ट्री की, ठीक है, तो मिनिमम हाइट क्या होगी, और लॉग एन के ऑर्डर की होती है, तो आप वो निकाल सकते हैं वहां पर। रेगेक्स का आउटपुट पूछा था, एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया उसका आउटपुट पूछा, आउटपुट पूछा पैंडा लाइब्रेरी से एंड क्लासेस से एज वेल, देन आउटपुट ऑफ पाइथन विद कंपेयर एंड ऑप्शन ट्रू और फॉल्स, इस तरह से करना था, ठीक है, तो इस तरह से कंपेरिजन का दिया हुआ था। फॉक रिटर्निंग वॉट टू द पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास, तो ये फॉक का था, ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में हमने कराया हुआ है। देन फीचर्स ऑफ शेल थे। After that, the next thing in the bucket is which, okay, this is done. Yeah, this is also done. So, yeah, 19th question is spoofing definition. स्पूफिंग डेफिनेशन क्या है, ये हमें साइबर सिक्योरिटी में क्या हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे कोर्सेज में कन्वर्ट है, एकदम मतलब टू द फॉर्मेट में कन्वर्टेड नहीं है, लेकिन येस वी आर हैविंग समथिंग विच इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट, सो यू कैन रीड द कॉन्सेप्ट एंड देन यू कैन प्रैक्टिस एन नंबर ऑफ क्वेश्चन ओवर दैट। सो यहाँ पर अभी क्वेश्चंस ऑन ऑथेंटिकेशन है, ये साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, आर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन था, देन आपका एसेट प्रॉपर्टी से क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है। सो आपको अगर ये क्वेश्चन चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करिए और क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपना नोट्स बना लीजिए। आफ्टर दैट 23, 24, 25, 26 एंड 27 जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि एक डेटा ऑर्गेनाइजेशन से, डेटा वेयर हाउस एंड डेटा मार्ट से है, फिर एक एसक्यूएल क्वेरी है, फिर एसक्यूएल क्वेरी के ऊपर कैसी तीन क्वेश्चन है, फिर जावा लैंग पैकेज किस लिस्ट में है बाई डिफॉल्ट, ये सारे क्वेश्चन थे। आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, दैट डू एंड डन यूज इन लूप ऑफ व्हाइल इन शेल स्क्रिप्ट, तो वो कैसे होता है, देन एग्जिट कंट्रोल लूप कैसे काम करता है, तो दो तरह के लूप होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग के ऊपर क्वेश्चंस था, स्टेटमेंट ऑन ग्रीडी एल्गोरिदम्स, अगर ग्रीडी एल्गोरिदम्स आपने पढ़ा होगा हाउ दे वर्क, सो स्टेटमेंट्स थे उसके ऊपर। फिर आउटपुट था एक सी प्रोग्राम का, एंड देन ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ द डेटा टाइप टू रैपर क्लासेस कॉल्ड एज व्हाट। सो इस तरह के क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस थे, दे वर नॉट टफ आईल से, और किसी ने अगर बेसिक से अंडरस्टैंडिंग रखी होगी, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पे सिर्फ एक थी, सो यू हैव टू बी द बेस्ट इफ यू वांट टू गेट द सिलेक्शन। बट अगेन इफ आईल से द लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड द लेवल ऑफ एग्जाम, इट वाज मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जाम, बट वैकेंसी कम होने की वजह से एक डिफिकल्ट एग्जाम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड के साथ साथ किसने कितनी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है वो काउंट होगा। After that, this is our current running thing, which is CPSS, that is concept पढ़ाएंगे and
सबको सिखाएंगे। सो यहाँ पर हमारी जो सीरीज चल रही है, आई वुड लाइक टू मेक अ नोट ऑफ इट। एवरी वीक वी कम अप विद आईटी वीडियोस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कम अप विद क्यूआरई वीडियो एज वेल, व्हिच आर रिलेवेंट फॉर द आईटी एस्पिरेंट्स इन ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन द वीडियोस व्हिच वी आर पोस्टिंग रेगुलरली एवरी वीक। सो बी इन टच विद दोज वीडियोस, एंड दोज वीडियोस आर रियली हेल्पफुल फॉर एनी एग्जाम। दे आर नॉट स्पेसिफिक टू वन एग्जाम, दे आर लाइक अगर आप कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं आईटी का गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले। सो यू कैन हैव अ लुक। करेंटली वी आर हैविंग बीबीएमएस रनिंग एज एन टॉपिक इन अंडर सीपीएसएस। सो यस, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर पीएफआरडीए फेज टू मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। एंड यस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज डू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर स्टिल एन अनसब्सक्राइब यूजर। एंटिल द टाइम वी ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे अपडेटेड।